सहकारिता विभाग के मंत्री मुकुट बिहारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने 4 साल का लेखा जोखा पेश किया और ये बताया कि लॉकडाउन के समय सरकार और विभाग ने बेहतर काम किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर, 4 साल का आपने लेखा जोखा बताया, आपने ये कहा कि लॉकडाउन के तहत आपने बहुत बेहतर काम किया है, ये 1 साल बचा हुआ है और किसान भी कहीं ना कहीं नाराज है, तो क्या करना है, क्या अब आगे की रणनीति है? देखिए, किसान नाराज है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन जहां तक किसान की आय को दुगुनी करने का सवाल है उसके लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं। खाद की आपूर्ति हमारा विषय है और हम आपको बता के चलें कि पिछले साल जो खाद की समस्याएं कभी रहती रही होंगी, पिछले साल या हमारी सरकार के समय खाद की समस्या को हमने सॉल्व कर लिया, बीज की समस्या को सॉल्व कर लिया, किसान का जो उत्पाद होता है उसको अच्छी मार्केट देने का हमने काम शुरू कर दिया और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जितना धान हम लोगों ने, जो लक्ष्य हमको तय किया गया था, उस लक्ष्य से कई गुना अधिक माने 126% हम लोगों ने इस बार परचेज किया है धान। गेहूं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं की जो क्रय है उसको भी आपको बढ़ाना है, जैसा कि अभी आपने बताया, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? सारे क्रय केंद्र अभी से ही सुनिश्चित करना शुरू हो गया है। एक मानक बना दिया गया है कि प्राइवेट पर्सन्स को दूर हटाकर केवल साधन सहकारी समितियों को लगाएंगे और सारे जो उनके लिए उपकरण चाहिए उन उपकरणों की भी तैयारी शुरू कर देंगे। मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटलाइजेशन से जोड़ने की भी व्यवस्था आप लोगों की तरफ से करी जा रही है, उस पर कितना काम अब तक हो रहा है? काम उस पर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि जो मंडियां हैं उनको बेहतर किया जाए, जो गेहूं की खरीद है उसे और बढ़ाया जाए और आने वाले 1 साल में इस व्यवस्था को और बेहतर करके सरकार और जो किसान हैं उन्हें और लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि किसान